हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कुकिंग हिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको मूंगफली की कतली बनाने का तरीका बताऊंगी, वो भी बहुत ही इजी से, और इसमें बहुत ही कम सामग्री लगती है और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन उससे पहले आप हमारे नए रेसिपी को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए हम पीनट्स की कतली बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम मूंगफली लिए हैं, रोस्टेड मूंगफली है, हम इसे बिना तेल में ही फ्राई किए हैं और इसका छिलका अच्छी तरह से हम उतार लिए हैं। और आप इसका पाउडर बना लें, लेकिन पाउडर बनाने से पहले अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटे इसे ज़रूर फ्रीजर में रख दें ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और ये इसका पाउडर बहुत ही ज़्यादा फाइन बने। तो यहाँ पे आपको जो मेन काम है, आपको मिक्सी को आपको कंटिन्यू नहीं चलानी है, 3 सेकेंड फिर ऑफ, फिर इसे छान ले, या फिर कंटिन्यू आप इसे 2 सेकेंड चलाएं, फिर बंद किए, फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स किए, फिर आप इसे चलाएं। तो यहाँ पे आपको मिक्सी को कंटिन्यू नहीं चलाना है, इसे 2 से 3 सेकेंड चलाएं, फिर हमें छान लेनी है। फिर हम मिक्सी को 2-3 सेकेंड के लिए चलाएं, फिर हम इसे छान लेनी है। इस तरीके से हमें करके सारे पीनट्स के जो पाउडर हैं वो तैयार करने हैं। और ये देखिए कितने फाइन इनके पाउडर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो हम मूंगफली होती है या फिर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काफ़ी वाइली होती है। आप इसे कंटिन्यू अगर मिक्सी चलाते गए लगभग 30 से 40 सेकेंड भी आप चलाएं तो इसमें से वाइल आ जाएंगे, जिसके कारण आपको पाउडर जो अच्छा नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आपको काजू कतली बनानी हो या फिर मूंगफली की कतली बनानी हो तो यहाँ पे सबसे चुनौती होती है उसका पाउडर बनाना। पाउडर ही अच्छे से नहीं बनेंगे तो फिर आपके जो कतली बनेंगे, बर्फ़ी बनेंगे, वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसके पाउडर बना लिए हैं। तो यहाँ पे हम 250 ग्राम मूंगफली लिए थे, तो यहाँ पे हम लगभग 180 ग्राम चीनी लिए हैं चाशनी के लिए। तो हम यहाँ पे 180 ग्राम चीनी डाल दे रहे हैं और हम चीनी के आधे पानी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है मीठा तो आप 200 ग्राम आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, 250 मूंगफली में आप 200 ग्राम चीनी डाल दें। अगर आप थोड़ा कम मीठा पसंद लेना चाहते हैं तो आप इसमें लगभग 180 ग्राम ही चीनी डालें, ये सही रेशियो है। और यहाँ पे जब अच्छी तरह से चीनी जो मेल्ट हो जाएगी, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, तो हमें इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए उबालना है, गैस का फ्लेम हाई ही करें। तो हम इसे थोड़ा अच्छे फ्लेवर देने के लिए हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिए हैं, कूटकर उसका अपना से पाउडर बनाया है और इसमें डाल दिए हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे हम 3 से 4 मिनट के बाद इसे हम उंगली या फिर अंगूठे के बीच में आपस में चिपका कर देखेंगे, अगर चिपक रहा है, इसमें चिपचिपाहट है तो हम गैस ऑफ कर देंगे, या फिर इस तरीके से ड्रॉप गिरा कर देखेंगे, यहाँ पे लास्ट वाले ड्रॉप तार टाइप के गिरेंगे तो समझ जाइए कि ये परफेक्ट है। यहाँ पे देखिए आपस में चिपक रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे गैस ऑफ कर दिए हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। और फिर अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पीनट्स के जो हम पाउडर तैयार किए थे उसे डालेंगे। एक बार डालने से बहुत सारी गुठलियाँ बन जाती है तो हमें फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ता है उस गुठली को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप उसे 2-3 बार में डालेंगे तो आपकी जो गुठलियाँ बनेगी वो नहीं बन पाएगी और बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छे फ्लेवर के लिए इसे थोड़ा सा और रिच बना देते हैं, हम इसमें लगभग 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। आप किसी भी कंपनी के मिल्क पाउडर ले सकते हैं या फिर 10 रुपये के जो पैकेट आते हैं वो भी आप लेकर एक इसमें डाल देंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें स्वाद बढ़ जाएगी।
इससे जो होता है बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। आप अगर मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो नारियल के बुरादा डाल दीजिए, या फिर 10-15 या फिर 20 काजू ले लीजिए, उसका पाउडर बनाकर इसमें डाल दीजिए। ये जो थोड़ा आप एक्स्ट्रा फ्लेवर देंगे इसमें, इससे जो आपकी कतली या फिर बर्फ़ी बनेगी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और यहाँ पे मिक्स होने के बाद हम फिर से गैस ऑन करेंगे और यहाँ पे स्लो गैस पर इसे ड्राई करेंगे थोड़ा सा, लगभग 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। हमें इसे ज़्यादा ड्राई नहीं करनी है, बस ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए किनारे, ये जब छोड़ने लगे कढ़ाई का तो समझ जाइए कि ये परफेक्ट है। जैसे हम अभी इसे घुमा रहे हैं तो जिस हम बर्तन से चला रहे हैं उसमें नहीं चिपक रहे हैं, जब ये हम जिस तरीके से घुमाने लगे उसमें ये घूमने लगे तो समझ जाइए कि ये परफेक्ट है। तो अब हम गैस ऑफ कर दिए हैं और ये देखिए यहाँ पे लगातार 2-3 मिनट के लिए इसे चलाएंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि कढ़ाई बहुत हीट है। आप इसे पंखे के नीचे भी डाल दें, जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएंगे तो एक अच्छा सा डोर तैयार हो जाएगा इसका। अभी ये गीला लग रहे हैं लेकिन ये जब ठंडा हो जाएंगे तो आप इसका रूप खुद देख लीजिएगा कैसे परिवर्तन होता है। तो हम इसे अब ठंडा होने देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए। और ये देखिए 10 मिनट के बाद आप यहाँ पे खुद देखिए इसका रूप कैसे बदल गए हैं, ये कितने हार्ड हो गए हैं मतलब पहले के तुलना में। और ये देखिए हम अच्छी तरह से इसे उठा लेंगे छलनी से, और एक यहाँ पे आप कोई बटर पेपर ले ले या फिर घर में कोई भी पॉलोथीन हो उसे आप साफ करके उस पर इसे डाल दें और इसे थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करनी है, इसमें से थोड़ा वायल निकालनी है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, एक अच्छा सा इसका डोर तैयार हो जाए। तो हम यहाँ पे जो पॉलोथीन लेंगे और यहाँ पे जो कढ़ाई में थोड़ा सा बचे हुए हैं उसे हम अच्छी तरह से ले लें, इसे क्यों वेस्ट करें, इतना मेहनत जो लगा है पाउडर बनाने में, अच्छी तरह से उसे निकाल लेंगे। और फिर आटे जिस तरीके से हम गूँथते हैं उसे हम इस तरीके से इस पर गूँथेंगे ताकि इसे जब मसलेंगे ना तो इसमें से वायल निकलता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये पहले से कितना चमक रहा है और फिर ये कितना सॉफ्ट दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं। इसे हमें लगातार 3-4 मिनट के लिए करनी है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और हमारी कतली हम इसे कई सप्ताह तक रखें फिर भी ये सॉफ्ट ही बनी रहे और स्वादिष्ट भी बनी रहे। तो यहाँ पे थोड़ा तो मेहनत बनता है, तो यहाँ पे हम इसे देखिए कितना सॉफ्ट बना लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हम इसे अब बेल लेंगे, तो हम इसे याद रखिए पॉलोथीन में ये इजी से बिलाएगा, आप इसे ऐसे बेलना चाहेंगे तो ये नहीं बिला पाएगा, इसलिए आप कोई बटर पेपर ले लें या फिर इस तरीके से पॉलोथीन ले लें उसके बाद उससे बेलें, बहुत ही ईजी से बिला जाएगा या फिर फैल जाएगा। आप इसे जितना मोटा रखना चाहें उतना मोटा रखें, ये आपकी मर्जी है, आप इसे बर्फ़ी के आकार में काटें या फिर आप स्क्वायर काटें ट्रेंगल काटें, वो आपकी इच्छा, आपकी इच्छा कि आप इसे कौन सा रूप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसे कतली वाले रूप देने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसे साइड का जो भाग है उसे हटा देते हैं और फिर हम इसे बाद में बेल कर फिर से अच्छा सा एक रूप दे देंगे। यहाँ से कट करें नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, फिर कट करेंगे, जो बाद में बचेगा उसे हम फिर हटा देंगे। तो यहाँ पे चाकू से इसे काटते जाइए, ये देखिए कितना स्मूथ कट रहा है, ये जो थोड़ा चाकू है वो खुरदरा है जिसके कारण ये थोड़ा उठा उठा सा दिख रहा है। एक काम करते हैं, जो बच्चे का स्केल होते हैं उससे कट करते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा फाइन
कट होती है, ये देखिए। अब इसके कट में देखिए और यहाँ पे चाकू वाले कट में देखिए कितना अंतर है, ये कितना फाइन कटा है और ये थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा दिख रहा है। तो अब हम इसे कट करते हैं। आप इसे अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी रूप दे सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो हम अब इसे अच्छी तरह से कट कर लेंगे, ये देखिए। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या कोई कह सकता है कि ये पीनट्स का कतली है? जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इस पे चाहे तो ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं या फिर सिल्वर फॉल आते हैं वो भी बिछा सकते हैं इस पे। तो अगर आप ऐसे ही रहने दें, काफ़ी स्वादिष्ट लग रहे हैं कि ये देखिए बहुत ही अमेजिंग है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा। आप इसे कई सप्ताह तक स्टोर कर सकते हैं। ऐसे तो रक्षाबंधन का स्पेशल अभी फेस्टिवल है, तो आप उस पर बनाइए और अपने भाई का मुंह मीठा कीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, यकीन कीजिए और ज़रूर ट्राई करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching.